नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। करनाल में एक बार फिर से तेंदुआ देखे जाने की खबर है। हम आपको दोबारा से वीडियो दिखा रहे हैं, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एक बार फिर से तेंदुआ देखे जाने की खबर है करनाल के सेक्टर 29 में, जहां पर करनाल के सेक्टर 29 करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर तेंदुआ देखे जाने की खबर है। हालांकि जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को लेकर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को वीडियो भेज दिया है और करनाल के सेक्टर 29 में जो रॉयल सिटी है यहां पर जो है तेंदुआ कल शाम को देखा गया था और जो यहां के रहने वाले गार्ड हैं उन्होंने इसका वीडियो बनाया। लेकिन उसके बाद यहां रहने वाले जो परिवार हैं जिसमें महिलाएं हों बच्चे हों वो कहीं ना कहीं डरे हुए सहमे हुए जरूर हैं कि अगर वाकई वह तेंदुआ था तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और फॉरेस्ट विभाग को जल्द से जल्द जो इसको पकड़ लेना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है। हालांकि हमारी अभी कुछ ही देर पहले करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी से भी बात हुई है और उनका कहना है कि जानकारी जरूर मिली है, उनके पास जो वीडियो आया था जो इन गार्ड द्वारा बनाया गया था उसको फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को रोहतक भी भेज दिया गया है और हमारी रोहतक के अधिकारियों से भी बात हुई है। हालांकि रोहतक के अधिकारियों का कहना है देखने से ऐसा लगता है कि शायद यह वीडियो जंगल कैट का भी हो सकता है, जंगल कैट का भी हो सकता है, लेकिन गार्ड का कहना यह है कि यह तेंदुए का छोटा बच्चा ही था, साइज में कम था लेकिन तेंदुआ ही था। इस समय महिलाएं यहां पर मौजूद है जो डरी हुई जरूर है क्योंकि कहीं ना कहीं तेंदुआ अगर उनकी सोसाइटी में आया तो डरने वाली बात जरूर है। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, करनाल में पिछले कई दिनों से तेंदुआ आने की खबर है, कहां पर आप रहते हैं और क्या जानकारी आपको मिली थी जिसके बाद आप इसको लेकर टेंशन में है कहीं ना कहीं? सर हम यहीं INR रॉयल सिटी में रहते हैं और कल रात को ही यहाँ पे तेंदुआ देखा गया है जिससे सारे बच्चे और फैमिली वाले सहमे हुए हैं। तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं हम कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको भी जहाँ वो रहता है उसकी सेफ जगह पे उसको छोड़ा जाए। तो गार्ड ने वीडियो बनाया था ये? जी सर, गार्ड ने रात को शाम को वीडियो बनाया था 7:30 बजे। तो आपने देखा, लगता है कि आपको तेंदुआ ही है? जी सर कंफर्म है, ये तो सर तेंदुआ ही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, उनका कहना है कि तेंदुआ ही हो सकता है। हालांकि गार्ड यहां पर मौजूद है और इसी जगह पर तेंदुआ मिलने की जानकारी थी, इसी जगह पर तेंदुआ मिलने की जानकारी थी और जानकारी ये मिली है कि कुछ ही देर में शायद फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर बुलाए गए हैं, कुछ ही देर में वो भी यहां पर पहुंचेंगे और जो चिन्ह है वो यहां पर देखे जाएंगे कि क्या वाकई वह तेंदुआ था या कोई और था। हालांकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने जो वीडियो देखा है उनका कहना है कि जो वीडियो से देखने से ऐसा लगता है क्योंकि रोजाना वो देखते हैं कि तेंदुआ इतनी धीमी गति से नहीं चलता है, इधर उधर इंसानों को देखते हुए नहीं चलता है, जब भी तेंदुआ चलता है तो फास्ट स्पीड से चलता है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जंगल कैट है जैसा कि उनका कहना है। लेकिन गार्ड का कहना यह है कि यह तेंदुआ ही था और इस समय आप देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। कुछ और महिलाएं हैं उनसे जानना चाहेंगे। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ पर आप रहते हैं और कब आपने तेंदुआ आने की खबर देखी और क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही INR रॉयल सिटी में ही रहते हैं लेकिन आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब आए जो सिक्योरिटी गार्ड है इन्होंने हमें वीडियो दिखाई तो हमें वीडियो में देख के लगा कि तेंदुआ ही है। तो हमने मीडिया को इन्फॉर्म किया कि वो आए यहाँ पे, थोड़ा वायरल क्लिप वीडियो को तो आएंगे, फॉरेंसिक टीम आएगी और यहाँ पे आके मतलब कि चेक करेंगी यहाँ पे। तो इसलिए हम तो गुहार ही कर सकते हैं प्रशासन से कि यहाँ पे आके उस तेंदुओं को पकड़ा जाए और जहाँ पे जंगल में छोड़ना है वहाँ छोड़ा जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हालांकि लोगों में इसी चीज का डर है लेकिन कुछ गार्ड जो यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने वीडियो बनाया उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आपने देखा जब शाम को 7:30 बजे आपने यहाँ पर वीडियो बनाया, क्या वह तेंदुआ ही था या कुछ और था, क्या देखा आपने? लेपड़ का बच्चा है सर, यहाँ पे दीवार से कूद गया जी, सीधा प्लाट में को लिगड़ गया जी। जी अरे जी मैं फेस धोने जा रहा था जी, इस करके जी फिर मैं दूर नहीं गया जी ज़्यादा। तो कितने बजे की बात है? 7:30 बजे की जी। तो आराम आराम से चल रहा था वो? हाँ जी आराम से चल रहा था जी, फिर वहाँ पे कूड़े बजा के जी मेरी तरफ देख रहा था जी। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़ी बिल्ली हो या कुछ और हो? जी लेपड़ का बच्चा है जी। वीडियो साफ नहीं है इतना? ओ जी कैमरा क्वालिटी थोड़ी ऐसी है जी, बाकी लेपड़ का बच्चा है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इनका कहना है कि लेपड़ का बच्चा ही है, इसी जगह पर जो है देखा गया था, जिसके बाद तमाम जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जल्द से जल्द इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बलड़ी गांव के नजदीक बिल्कुल ये INR रॉयल सिटी पड़ती है, सेक्टर 29 नए बस स्टैंड के सामने, बल्ले भी इसी जगह से, चूंकि आसपास का जो इलाका है वो काफी ग्रीनरी वाला इलाका है, काफी पेड़ पौधे यहाँ पर है, तो हो सकता है कि तेंदुआ ही हो। हालांकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों का कहना यह है कि देखने से वीडियो ऐसा लगता है कि जंगल कैट भी हो सकती है, जंगल कैट भी हो सकती है क्योंकि तेंदुआ कभी भी इतनी आसानी से आराम से नहीं चलता है जिस तरह से वीडियो में देखा गया। हालांकि वीडियो थोड़ा दूर से जरूर बनाया हुआ है लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि शायद तेंदुआ हो, लेकिन फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कुछ ही समय में यहां पर शायद पहुंच जाएंगे और उसके बाद जब जांच की जाएगी उसके बाद ही पता लगाया जा सकेगा कि आखिरकार क्या वाकई यह तेंदुआ था या जंगल कैट हो सकती है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन परिवार के लोग डरे हुए जरूर है, सहमे हुए जरूर है और कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनके तमाम परिवार यहां पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहां पर रहते हैं, डर जरूर उनको सता रहा है कि अगर यह तेंदुआ हुआ
हुआ तो कहीं ना कहीं खतरा जरूर हो सकता है। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि आपने डरना नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर तेंदुआ अगर आपके पास से भी निकल जाएगा, अगर आप कोई हरकत नहीं करेंगे, अगर आप उसको मारने की कोशिश नहीं करेंगे तो तेंदुआ आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तमाम जो महिलाएं हैं, जो तमाम परिवार हैं, वो सिर्फ यही अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि चेक जरूर कराया जाए। हम चाहेंगे कि चेक जरूर हो, क्या वाकई तेंदुआ था, और तेंदुआ है तो उसको पकड़ा जाए। हाँ जी, तेंदुआ ही था, देखने से तो ऐसे ही लग रहा है वीडियो में, और फिर वैसे भी जंगल कैट की तो कोई बात ही नहीं आई, उसके जो साइन भी दिख रहे हैं पहले से, तो फिर अब तो प्रूफ मिल गया है तो तेंदुआ ही था और उसे पकड़ा जाना चाहिए। 100% तेंदुआ था वो जी। हाँ जी, इन्होंने लाइव देखा है, वो कैमरे थोड़ा ब्लर है उनका, कैमरे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने आईज से देखा है, वो तो बता रहे हैं कि लिया बॉडी था वो। अब चाहेंगे प्रशासन से कि जल्द से। हाँ जी, हाँ जी, ये जंगली कैट तो नहीं थी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जंगली कैट नहीं थी। तमाम लोगों का कहना यह है, तमाम परिवारों का कहना यह है, हालांकि करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उनसे भी अभी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि उनको भी सेक्टर 29 में एक गार्ड द्वारा जो वीडियो बनाया गया था वो देखा गया, और उसके बाद जो उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को यह वीडियो भेज दिया है, और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से जो मिस्टर रावत है, मिस्टर सुल्तान है, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनसे अभी कुछ ही देर पहले हमारी खुद बात हुई है। हालांकि उन्होंने बताया कि वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि शायद वह तेंदुआ नहीं जंगली कैट हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जब तक यहां पर नहीं आ जाते, जब तक जांच नहीं कर ली जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गार्ड का कहना यह है कि वीडियो उसने 7:30 बजे खुद बनाई है, और साफ तौर पर उसने बताया कि छोटा तेंदुआ था, तेंदुए का बच्चा था, तो उसकी कोई आंखें धोखा नहीं खा सकती। हालांकि कैमरा क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण तस्वीरें साफ कैमरे में कैद नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोग भी डरे हुए सहमे हुए जरूर है और प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अगर वाकई तेंदुआ था इसको पकड़ा जाए। करनाल के बलड़ी गांव के आसपास नेशनल करनाल इंद्री रोड पर जो INR रॉयल सिटी है, वहां पर जो है तेंदुआ देखे जाने की खबर है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि लोग जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन के आगे गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड से आप देख रहे थे। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।